जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जन्माष्टमी आने वाली है और सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे करवाया जाता है, खीरे से कैसे भगवान को अंदर बैठाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। और जन्माष्टमी के कुछ उपाय भी हैं जिससे कि संतान जिनको नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, उनको संतान का सुख भी प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो वो ऐसा कौन सा उपाय है जो जन्माष्टमी की रात्रि को जब हम भगवान का जन्म करवाते हैं उससे करा जाता है। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो सामान मुझे सामग्री चाहिए। तो क्या चाहिए देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें पुष्प चाहिए यानी कि फूल, और ये खीरे चाहिए। खीरा कैसा चाहिए, जिसमें कि डंठल लगा हुआ हो। देखिए ऐसे डंठल लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, और चंदन चाहिए और ये खाली पात्र जिसमें कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से अब बता रही हूँ उसके लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत होती है। तो उसके लिए जरूरत होती है हमें एक दो फूल, जो आप किसी भी रंग के ले सकते हैं, लेकिन गुलाब के जरूर लीजिएगा, भगवान को बहुत प्रिय है गुलाब, और चंदन और खीरे जो कि बहुत जरूरी है। इसके बिना तो जन्म भगवान का संभव ही नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी को खीरे से ही जन्म करवाया जाता है। दूसरा, एक खाली पात्र, जिस जो आप नया भी ले सकते हैं और पुराना भी, और आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, स्टील का, और आप कटोरा भी ले सकते हैं जिसमें भगवान आ जाएं, या थाली भी ले सकते हैं। तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो अब शुरू करती हूँ मैं आपको वीडियो, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान जी का खीरे से जन्म कराया जाता है। तो वो खीरे से जन्म भगवान का कैसे करवाते हैं, आज मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ। उसके लिए हम खीरा लेते हैं और खीरे का ये वाला जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा, आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो इस विधि से आप कर सकते हैं। देखिए, इसको हम एक ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे। देखिए इसको, देखिए अब इसको पार्ट को हम बिल्कुल निकाल देंगे। अब ये जैसे हमने खीरे का ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, अब इसके जो बीजे वगैरह होते हैं ना, इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। पहले इसको खाली कर लेंगे और इसका ऊपर का हिस्से का भी खाली कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये काम हमें सिक्के की सहायता से ही करना है। अब हमारे ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं, अब छोटे से लड्डू गोपाल को हम इसके अंदर, खीरे के अंदर इस तरीके से देखिए बैठा देंगे, और इसके ऊपर देखिए बैठ गए मेरे लड्डू गोपाल जी खीरे के अंदर, और इसमें एक पत्ती फूल की भी रख देंगे लाला के ऊपर, और इस तरीके से रख कर और फिर लाला को ढक देंगे, और लाला के ऊपर ऐसे फूलों को ढक लगा देंगे। इस तरीके से करके आप खूब सारे फूल रख दीजिए लाला के ऊपर, खूब सारे फूल रख के, और लाला का खीरे से इस तरीके से जन्म कराइए, और रात्रि को फिर 12 बजे लाला को उठाकर लाला का पंचाभिषेक स्नान कराइए और लाला को नए नए वस्त्र पहनाइए। इस प्रक्रिया को करते समय लाला के ऊपर जब पूजा है तब आपको इस तरीके से ये ढक देना है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस प्रकार से घंटी बजाकर, शंख बजाकर, बंसी बजाकर लाला को फिर 3 ताली बजाइए, और फिर लाला को धीरे से आसन, ये जो हमने कपड़ा यहाँ पर भगवान को बैठा लिया, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो खीरा लिया है ना, अब हम इस खीरे का जो ऊपर का पार्ट है ना डंठल वाला, इसको हम सिक्के की सहायता से, देखिए सिक्के की सहायता से इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, और देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए
सिक्के की सहायता से इसको, इसके जो डंठल वाला पार्ट है ना, इसको काटेंगे। इसको बोलते हैं नाल काटना। जैसे माँ के गर्भ से जब शिशु पैदा होता है तो उस समय नाल काटते हैं ना, तो वो नाल काटने वाली है जब प्रक्रिया की जाती है, इसीलिए खीरे को रखा जाता है। तो नाल सिक्के से काटा जाता है। इसके लिए आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं और आप ये 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। अब इस वाले जो पार्ट है, ये जो डंठल वाला पार्ट है, इसका हमें करना क्या है? तो इसका हमें एक प्रयोग करना है। यदि आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं तो इस वाले पार्ट को लेकर आप एक लाल कपड़े में बंद करके और बांध दीजिए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए और पूरे साल रखा रहने दीजिए। दूसरे साल जब आप जन्माष्टमी आए उस दिन फिर आप इसको विसर्जित कर दीजिए। ये तो हुआ पहला तरीका इसको तिजोरी में रखने का। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको बगीचे में या गमले में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, क्योंकि ये नाल है, इसको ऐसे ही कहीं नहीं रख दिया जाता है। जैसे बच्चे का नाल होता है मिट्टी में दबाए जाते हैं जब घर बनता है, उसी प्रकार ये भगवान जी का जो जन्म हुआ है नाल है, इसको भी हम दबाएंगे या तिजोरी में रखेंगे, जिससे धन संपत्ति आती है। अब दूसरा पार्ट हुआ खीरे का, अब ये वाला, इस पार्ट का हमें क्या करना है? इस पार्ट को हमें काटकर अपने घर परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो जैसे मैंने 2 खीरे रखे हैं, आप और ज़्यादा भी रख सकते हैं, और उनको काटकर सबको प्रसाद के स्वरूप बांट दीजिए। अब भगवान का जन्म हो गया है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद भगवान को दूसरे पात्र में बैठाकर भगवान का पंचाभिषेक स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर इत्र लगाकर, फूलों की मालाएं पहनाकर, फिर धूप दीप आरती की जाती है। ये होता है लाला के जन्म की विधि। तो इस प्रकार से हम खीरे से भगवान का जन्म करा सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा लाला।